से हमारी जीवन में खुशियां आई है। हमने कहा ऐसी कौन सी खुशी तुम्हारी जिंदगी में आ गई? कहा गुरुजी रोज कथा सुनने को मिल जाती है। हमने कहा अब तुमने मोबाइल आने की सुख देखा, अब दुख भी तो देखो। मोबाइल आया, कैमरा खत्म कर दिया। पहले लोग कैमरा लेके घूमते थे कि नहीं घूमते थे? बोलो, जम के बोलो जरा। घूमते थे ना। मोबाइल आया, कैमरा खत्म। मोबाइल आया, टार्च। पहले लोग टार्च रखते थे कि नहीं रखते थे? बोलो बोलो, जम के बोलो। मोबाइल आया, टार्च, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, खत्म। मोबाइल आया, कैलेंडर। पहले लोग कैलेंडर देखते थे, पंचांग देखते थे। आज के जमाने में तुरंत तुमने पूछा ये तारीख को कौन सी तिथि है, उन्होंने मोबाइल खोला और बता दिया, ये लोग कैलेंडर तुरंत। मोबाइल आया, टार्च खत्म। मोबाइल आया, कैमरा खत्म। मोबाइल आया, कैलेंडर खत्म। मोबाइल आया, रेडियो, बोल दो जम के, खत्म। और मोबाइल आया और तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम्हारी जिंदगी भी गए। फिर वो बोलते ना, गई भैंस पानी। बस मोबाइल आया, कैमरा खत्म। मोबाइल आया, रेडियो खत्म। मोबाइल आया, टार्च खत्म। मोबाइल आया तो कैलेंडर खत्म। और वो ही मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो फिर तुम खत्म। इसलिए सावधानी रखिएगा। अच्छा ही है, उसमें मना नहीं। माता सती को शिव जी समझा रहे हैं, सती समझ जा, सती ज्ञानवान है, समझ जा, सती मैं तुझे समझा रहा हूं, समझ जा, सती अपने पिता के घर में मत जा, सती अपने पिता के पास मत जा, सती मैं तुझे समझा रहा हूं, समझ जा। सती मानने को तैयार नहीं होती। जब एक पहलू से ना समझे तो फिर दूसरा पहलू होता है कि जो ललाट पर लिखा है वो होकर मानेगा, जो किस्मत में लिखा वो होकर मानेगा। जा सती। और सती चली गई, गई यज्ञ के कुंड में अपने पिता के यहाँ। सबका आदर था, सबका सम्मान था, सबका सत्कार था, पिता के यहाँ सबका आदर हो रहा था, पर सती के पति का कोई आदर नहीं था। यज्ञ की अग्नि में सती माँ कूद कर प्राणों को त्याग दी। शिव जी को मालूम पड़ा, उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, पूरी यज्ञशाला विध्वंस करवा, पूरी यज्ञशाला। पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया, पूरी यज्ञशाला। आखिरी में शीश, जो दक्ष प्रजापति का जो अहंकार था, जो मस्तक था, वो अग्नि में गिर गया। अहम अग्नि में गया। एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो ये तीन उंगलियां हमारी ओर जाती हैं। तुम अपने अंदर झांक कर देखो तुम कैसे हो। किसी को अपशब्द कहने से पहले विचार करिएगा कि आप कैसे हैं। अभी अभी आकोला की कथा में कहा था, कोई चिल्ला कर तुमसे कह दे एक शब्द, बस जम के कह दे कुत्ता, और जैसे उसने शब्द कहा और तुम्हें गुस्सा आया और गुस्सा आया और तुमने चिल्लाना चालू कर दिया, तो उसने गलत क्या किया? उसने तुम्हें कुत्ता बोला और तुमने भौंकना चालू कर दिया तो उसने गलत क्या किया? जब तुम्हें कोई गाली दे रहा है, जब तुम्हें कोई अपशब्द कह रहा है, जब तुम्हें कोई आड़ा टेढ़ा कर रहा है, उस जगह पर तुम्हें चुप रहना चाहिए। अगर तुम चुप रहोगे तो उसने जो कहा है वो संबोधन उसके लिए कहा है, आपके लिए नहीं कहा गया। उसने कहा तुमको कुत्ता, और जैसे कुत्ता कहा और तुमने भौंकना चालू करा, अपशब्द कहना चालू करा, ताने देना चालू करा, गाली देना चालू करा, आड़ा टेढ़ा बोलना चालू करा, तो सीधी बात है कि तुमने भौंकना चालू कर दिया। मतलब ये पक्का है कि उसने जो कहा था तुम वो हो। और अगर उसने कहा और तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला, तुम्हारे मुख से गाली नहीं निकली, तुम्हारे मुख से एक शब्द नहीं निकला, तुम्हारे मुख से आड़ा टेढ़ा नहीं निकला, तुम्हारे मुख से एक संबोधन नहीं निकला, कोई गुस्सा नहीं आया, समझ लेना उसने जो कहा था वो खुद के लिए कहा था, तुम्हारे लिए नहीं कहा, इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं आया, तुम्हें अपशब्द नहीं निकला, तुम्हारे ताने नहीं निकले, तुम्हारी गाली नहीं निकली। सास तुम्हें आड़ा टेढ़ा बोले
तुम्हारे मुख से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। बहू तुम्हें अपशब्द बोले, सास के मुख से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। पिता कोई शब्द बोले, बेटे के मुख से शब्द नहीं निकलना चाहिए। बेटा बोले, पिता के मुख से शब्द नहीं निकलना चाहिए। आड़े तेड़े शब्द जब कोई बोलता है तो वो दूसरे के लिए नहीं बोलता, खुद के लिए बोलता है। वो बोलकर दिखाता है कि हम है क्या, वो बोलकर दिखाता है कि हम क्या हैं, हमारा संबोधन क्या है। बुरा जो देखन में चला, बोलो बोलो आगे क्या है। बुरा न मिलिया कोई, हृदय अपना खोज कर देखो तो अपने से बुरा ना कोई। संसार में अपने से बुरा कौन होगा महाराज। जितना जहर तो बिच्छू में नहीं भरा, जितना जहर तो सांप में नहीं भरा, जितना जहर तो गौरिया में नहीं भरा, जितना जहर मच्छर में नहीं भरा, उतना जहर तो मनुष्य में भरा है। सांप का काटा हुआ दिख जाता है कि सांप जा रहा है, ये जहरीला है। मच्छर को देखकर पहचान जाओ कि जहरीला है, बिच्छू को देखकर पहचान जाओ कि जहरीला है, ततैये को देखकर पहचान जाओगे जहरीला है, पर किसी मनुष्य को देखकर नहीं पहचान पाओगे कि यह कब विष उगल देगा और कब तुम्हें निपटा देगा, कब तुम्हारे व्यापार को, तुम्हारे काम को, तुम्हारे ऊपर कब यह टूटमान हो जाए, कब तुम्हें घाटा पहुंचा दे, कब तुम्हें नुकसान पहुंचा दे, कब तुमसे ईर्ष्या रखकर तुम्हें समाप्त कर दे, कब तुमसे ईर्ष्या रखकर तुम्हें खल्लास कर दे, बर्बाद कर दे, ये समझ नहीं पाओगे। सांप को देखकर पहचान जाओगे तो दूर हट जाओगे, बिच्छू को देखकर पहचान जाओगे दूर हट जाओगे, मच्छर को देखकर पहचान जाओगे दूर हट जाओगे, पर मनुष्य को कैसे पहचानोगे कि नुकसान देगा कि फायदा देगा। राम राम जपना, बोलो बोलो जरा, पराया माल अपना, मुख में राम तुम्हें कितनी याद है। हम तो आधा बोलते हैं, तुम पूरा बोल देते, याद कितना है, कथा पूरी रट ली तुमने तो, रे गजब। मुख में राम बगल में छुरी, ये रीति श्रेष्ठ नहीं है। आपसे निवेदन है, किसी बड़े व्यापारी से तुम्हारा संपर्क हो चाहे ना हो, किसी बड़े दुकानदार से तुम्हारी पहचान हो चाहे ना हो, दुनिया के मंत्री संतरी कलंतरी से तुम्हारी पहचान हो ना हो, किसी राज सत्ता वाले से तुम्हारी पहचान हो चाहे ना हो, परशु महापुराण कहती है महादेव से तुम्हारी पहचान होना चाहिए जो अंत समय में काम आए। राज सत्ता वाले से पहचान है कि नहीं, फैक्ट्री वालों से पहचान है कि नहीं, गाड़ी बंगले वालों से पहचान है कि नहीं, दुकान वाले से पहचान है कि नहीं, व्यापार वाले से पहचान है कि नहीं, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। एक पहचान उस परमात्मा से होना चाहिए। क्यों? जब दुख की घड़ी आती है, वेंटिलेटर पर पड़े रहते हो, आईसीयू में पड़े रहते हो, फैक्ट्री वाले, दुकान वाले, रिश्तेदार नातेदार, जिन जिन से तुम्हारी पहचान है, वो फल की टोकनी लेकर खड़े रहेंगे, पर वेंटिलेटर पे तुम्हारे साथ नहीं सोएंगे, आईसीयू में तुम्हारे साथ नहीं सोएंगे। पर ये जितनों से तुमने पहचान बनाई, ये फल की टोकली लेकर बाहर बैठे रहेंगे, और उस महादेव से अगर एक बार पहचान बना ली तो वो तुम्हारी वेंटिलेटर पर तुम्हारे साथ रहेगा, एक एक श्वास श्वास में, धड़कनों में, एक एक नब्ज में तुम्हारे साथ होगा। डॉक्टर भी कह देता है अब मेरे हाथ में नहीं, उसके हाथ में है, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक सत्ता और है, उससे हमारी पहचान होना चाहिए, जिससे हमारा भगवत भजन बढ़ेगा। तो एक ना एक दिन अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। दुकान चलाओ, फैक्ट्री चलाओ, घर चलाओ, परिवार चलाओ, गाड़ी चलाओ, तुम जिससे मिलना उससे मिलो, पर अपने व्यस्त जीवन में, फैक्ट्रियों के सुख में, दुकान के सुख में, गाड़ी के सुख में, बंगले के सुख में, परमात्मा का भजन जरूर करना। क्योंकि जब तुम अकेले रहोगे, अंतिम सांसें गिन रहे होगे, तुम्हारे ऊपर जब काल मंडरा रहा होगा, तब कोई दूसरा नहीं, मेरा महाकाल का भजन करोगे तो वो सामने आकर खड़ा हो जाएगा। कोई नहीं आएगा, तब वो काल अधिपति आएगा, अंत बिंदु में उसका साथ होना जरूरी है। अंत समय